मजलिस के 8 एमएलए कामयाब होंगे, प्रजा कुटुमी को शिकस्त होगी, बीजेपी को शिकस्त होगी और के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा जवाब है। सर नागार्जुन फ्रॉम इंडिया टुडे, योर क्रिटिक्स लाइक कांग्रेस एंड बीजेपी अक्यूजिंग यू ऑफ नॉट फील्डिंग कैंडिडेट्स इन योर ओन स्टेट अक्रॉस द स्टेट, बट व्हेन यू कंटेस्ट इलेक्शंस इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स, बट यू फील्ड एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जस्ट टू डिवाइड द वोट शेयर इज व्हाट दे फील्ड। हियर इन योर ओन स्टेट यू आर नॉट फील्डिंग कैंडिडेट्स अक्रॉस द स्टेट। वेल यू सी, नंबर वन, आई हैव नॉट कंटेस्टेड इन कर्नाटका, सो लेट मी करेक्ट यू, वी सपोर्टेड कुमारस्वामी। एज फार एज नॉट कंटेस्टिंग इनफ सीट्स और कंटेस्टिंग सीट्स, सी द इशू इज दैट वॉट एवर आई डू बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सो इट क्लियरली शोज दैट आई एम द ओनली पर्सन इन इंडियन पॉलिटिक्स वेर इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज whose graph is going down, they feel that by criticizing OVC they'll become relevant in Indian politics. I thank them for doing that. So it is my party decision to contest 8 seats over here. It was my party's decision to contest in Maharashtra and in Bihar. In Bihar it was only 6 seats. In UP it was 24 seats out of 400 odd seats, so the number is very minuscule. So this, if I had contested more seats in Telangana, that same argument, see, you are doing this to divide votes. So we decide our party policy irrespective of what other political parties think. So for Telangana, this is our strategy that we want to contest 8 seats, and that is our political strategy and aim. Ovaisi sir, this is Pinky Rajpurohit फ्रॉम एबीपी न्यूज। राज ठाकरे ने आप पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि दिल्ली से उन्हें कॉल आया था और आप और केंद्र सरकार मिलकर राम मुद्दे पर दंगे जो है फैलाने की साजिश कर रहे हैं। बोलता मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि आपका भी ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो ओवैसी इनको लगता है कि कोई एक टैबलेट है या ओवैसी का नाम लेने से इनके जिस्म में हरारत आ जाएंगी, पुकार ये नाम लीजिए, कोई बात नहीं। मगर मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो यूपी बिहार के लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि हम दंगा कर, अरे आपकी पार्टी यूपी बिहार के लोगों को मारती है, वो क्यों कर रहे? तो ये अपना पहले अपने गिरेबान में झांक लो। हां, तुमको जिंदा रहने के लिए ओवैसी का नाम लेना है तो लेते रहो, शायद तुम्हारे को कुछ जिंदगी में मजा आ जाए। उमर फारूक साहब, आपने तेलंगाना के दूसरे हिस्सों का भी टूर किया है, वहां पे मीटिंग्स भी की हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हैदराबाद में आप जहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं वहां मुस्लिम यूनिटी विजिबल है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम वोट आपको डिवाइड होता दिखता है? नंबर एक क्वेश्चन। नंबर दो यह है कि जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी ने चलाया, इतने सारे लोग आए थे, आपको क्या लगता है आपकी बार उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है? नहीं, नंबर पहला सवाल आपका यह कि मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से आपने पूछा, तो मुस्लिम कम्युनिटी में यह एक रियलाइजेशन है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया स्पेशली मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, वो काम तेलंगाना में हुआ एमआईएम पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, केसीआर ने उसको मंजूर किया। आज 50,000 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का हॉस्टल स्कूल अलग, एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, और सब दुनिया जानती है कि मुसलमानों का बिगेस्ट प्रॉब्लम इलिटरेसी है, वो काम हो रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, हम जाके केसीआर से मिलके बोले, आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में नियरली 900 मुस्लिम माइनॉरिटी बॉयज आर स्टडिंग इन यूके
यूएस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शादी मुबारक की स्कीम है, और सबसे ज्यादा जो मुसलमान इस बात पे खुश है कि भाई 4.5 साल में कम्युनल राइट कहीं पर नहीं हुआ, हम हैदराबाद को राइट मुक्त कर दिए, पीसफुल रहा। ठीक है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, कंडेमनेबल है, बट एक फियर फैक्टर जो आप देखिए कल यूपी में हो गया, एक पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मार दिए, गौरक्षक उसके सर्विस रिवॉल्वर से, मॉब लिंचिंग, एक फियर हो गया वहां पर, फियर। कोई फेस्टिवल आया तो क्या होता बिहार यूपी में, वो फियर यहां पर नहीं है। उसका क्रेडिट यकीनन गवर्नमेंट को, एमआईएम पार्टी को जाता है। और लास्ट सवाल आपका बीजेपी के कैंपेन का, अब बीजेपी का हर कैंपेन में भी आप तेलंगाना के लिए क्या करना चाह रहे, हैदराबाद के लिए क्या करना चाह रहे, कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी। हम हैदराबादी जबान में अगर बोले तो भाई ये खट्टे डायलॉग कब तक बोलेंगे, बंद करो इसको, कोई नई बात करो। और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, योगी ये बोल, योगी ये बोलते कि भगा देंगे ओवैसी को। अरे क्या भाई, मैं हिंदुस्तान का नंबर वन सिटीजन हूं, मैं इक्वल सिटीजन हूं, मैं किरायेदार नहीं हूं यहां पर, मैं हिस्सेदार हूं यहां पर। और हम और योगी में फर्क यह है कि हम दोनों इंडियंस बाय बर्थ हैं, बट असदुद्दीन ओवैसी के पास वो एक्सक्लूसिव राइट है जो योगी के पास नहीं है। वो राइट ये है कि आई एम अ इंडियन बाय चॉइस ऑल्सो, दैट इज नॉट देयर विद देम। वी रिजेक्टेड जिनास थ्योरी, वी एक्सेप्टेड इंडिया एंड विल ऑलवेज एक्सेप्ट इंडिया एज आवर होमलैंड। यू कैन नॉट ट्रीट अस अ सेकंड क्लास सिटीजंस। बीजेपी'स आइडियोलॉजी इज टू ट्रीट मुस्लिम्स नॉट एज इक्वल सिटीजंस बट एज अनइक्वल सिटीजंस। वी आर स्टेक होल्डर्स, हम हिस्सेदार हैं यहां पर। यही तो हमारी लड़ाई है कांग्रेस से और बीजेपी से कि आप हमको हिस्सेदार बनाओ। एमआईएम पार्टी का पूरा स्ट्रगल क्या है कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, डेवलपमेंट में, ये हमारी स्ट्रगल है। तो बीजेपी का पूरा मामला यही है कि खाली बस गर्दन काट देना। एक उनका गोशामेल का कैंडिडेट हो रहा, गर्दन काट देता हूं, क्या है भाई, इलेक्शन है ये, या फिर ये कोई वो रोमन एम्पायर के कोलोसियम में दो लोग तलवार लेके लड़ रहे, ये वह क्या लैंग्वेज है ये कि हम गर्दन काट देंगे, ओवैसी को भगा देंगे। अच्छा बेचारे को हिस्ट्री भी नहीं मालूम, निजाम भाग गए थे, अरे निजाम की खबर है, चलो चल के फूल चढ़ाएंगे दो, खबर है, यही है निजाम की, राज प्रमुख बनाया गया था। तो बीजेपी का कार्य बहुत, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। सर एक आपने भाषा की बात की, तो अगर आपके भाई के भाषा की बात करें तो हर जलसे में वो किस प्रकार से, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक तकरीर का हवाला, हमारे प्रमोद साहब मेरे को कल सवाल किए थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आप को भाईजान बोल रहे, या पूरे हैदराबाद के लोग बैठे हुए हैं, बड़े भाई को भाईजान बोलते। कांग्रेस के टीआरएस के लीडर्स, अरे असद भाईजान कहां है आप, बड़े भाई को भाईजान बोलते। उसमें अगर हम बोले कि हम बड़े भाई है तो तकलीफ कई क्यों हो रही बीजेपी को, आपको बड़ा भाई मानेंगे, नहीं मानते। यही तो लड़ाई है हमारी कि आप अपने आप को बड़ा समझ रहे, हमको छोटा समझ रहे, हम बोल रहे हम बराबर है, इसलिए भाईजान बोले, तो उसमें तकलीफ की बात क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हेलो सर, सतीश फ्रॉम एचएमटीवी न्यूज चैनल सर, सर बोलिए सर। मैं फोर्टीवी से मोहम्मद शमसुद्दीन बात कर रहा हूँ। टीआरएस की दोस्ती मजलिस को फ्यूचर में महंगी पड़ सकती है, एक सवाल ऐसा माना जा रहा है, सियासी मुबसरीन का मानना भी ये है। दूसरा सवाल, अवैसी मुक्त तेलंगाना अमित शाह चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस बी टीम बता रही है, इसका कैसा खुलासा है? सबसे पहला सवाल आपका, दूसरा सवाल बोल देता हूं मैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह और राहुल गांधी दोनों में एक कंफर्मिटी है कि वो मजलिस को रोकना चाहते,
तो तेलंगाना में राहुल और अमित शाह एक साथ काम कर रहे हैं मंजलिस के खिलाफ, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जीर्णोद्धारू हिंदू राहुल गांधी को और मिस्टर अमित शाह को कि कम से कम हमारी मुखालिफत में आप दोनों जमा हो गए। यह खुद जाहिर हो गया कि आप कौन सी टीम के हैं। अब रहा सवाल महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, देखो भाई ये मुस्तकबिल बताएगा। और मजलिस जो है कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे हमको नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन रहिए, मजलिस ताकतवर रहेगी और किसी को कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। सर आप सर, दिस इज सतीश फ्रॉम HMTV न्यूज चैनल। सर इन दिस कमिंग इलेक्शन MIM पार्टी हाउ मेनी सीट्स विल गोइंग टू विन एंड आफ्टर इलेक्शन दिस पार्टी विल जॉइन इन गवर्नमेंट आर नॉट सर? सर द सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नो विल नॉट जॉइन द गवर्नमेंट। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट द पीपल ऑफ तेलंगाना विल ब्लेस KCR अगेन, ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट। We will not join the government, sir. There will be no need of MIM joining the government. And firstly, the first question, yes, we are definitely trying our level best. We will not only retain the 7 seats which we had, but also win the additional Rajendra Nagar seat. Srinivas Rao. Sir, my Srinivas Rao, Hindustan Times. Sir, you have been saying that regional parties will hold sway. Pardon, sir? Regional parties are will have a say in the elections. And of course, if let TRS will come to power, nobody knows about it. But at the national level, if all the regional parties have to come together, there are only 2 options, BJP and anti-BJP. Which way you will go? So that is why in my initial first question that was asked by from Namaste Telangana, I said that India's politics cannot be bipolar. India is a very big country. India's diversity is huge. And unfortunately, deliberately, India's diversity is not being represented, reflected by Congress and BJP. And that is why I am of the opinion that this pluralism diversity has to be reflected by regional parties coming together. And definitely, I am of the opinion that this country deserves a non-Congress, non-BJP government, because Congress got 209 seats in 2014. BJP got 280-odd. They have not been able to deliver on governance, on federalism, on every aspect of what they promised. So definitely, after the result comes, I am of the opinion that the regional parties would play a very, very important role in who becomes the next prime minister of this great nation of ours. Will there be a scope for third front? Will there be a scope for third front? No, third front or federal front, we'll come to know very soon, sir. Yes, sir. Praveen from ETV. Hello, Praveen from ETV, sir. So TRS pe comment hai apwa ki unki cabinet mein ek bhi mahila minister nahi hai. और जो आपकी फ्रेंडली पार्टी है जो MIM के भी कंटेस्टेंट में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है, जो आपकी नगर में भी एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है, उनको क्यों नहीं दिया एक महिला को भी? नहीं, अब ये TRS क्यों नहीं दिया, मैं तो नहीं डिसाइड करता ना, वो उनसे पूछना जाके आप। और सेकेंडली, कोई फ्रेंड कॉन्टेस्ट कोई फ्रेंडली नहीं होता मेरे भाई, कंटेस्ट कंटेस्ट होता, क्योंकि कैंडिडेट का प्राइड, पार्टी का प्राइड वो उसमें बीच में आता। अब रहा सवाल के लेडीज को क्यों नहीं दिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि MIM पार्टी, अब कॉरपोरेटर लेवल पर तो हमारे कई वुमेन कैंडिडेट्स हैं, हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में भी हम वुमेन कैंडिडेट्स को दें। इसीलिए इस इलेक्शन कैंपेन में हम हर असेंबली सेगमेंट में कम से कम 3 से 4 खाली वुमेन पब्लिक मीटिंग्स करें और उनके मसाइल को सुने, उनसे बात करें। तो यकीनन हम कमिटेड हैं औरतों के, वुमेन के एम्पावरमेंट के सिलसिले में उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और मैं प्रॉमिस भी किया हूं कि हमारे पार्टी ऑफिस में एक खालिस वुमेन सेल बनाया जाएगा, जहां पर वो आकर अपने प्रॉब्लम्स को बयान करेंगे और हम उसको एड्रेस करेंगे। तो ये मेरा जवाब है। नरेंद्र TV5 सर, आप कहां से? TV5
टीवी 5 महाकूटमी रूलिंग में आए तो आप टीआरएस के साथ रहते, महाकूटमी के साथ रहते? सर देखिए ना, उसूल क्या होता कि अगर कोई शादी हुई तो शादी के बाद बच्चा होता बच्ची होती उसके बाद डिसाइड करते नाम अब्दुल्ला रखना फातिमा रखना। अब शादी से पहले आप मेरे को नौकर पूछो क्या होने वाला है, शादी होने दो उसके बाद देखेंगे क्या होता। प्रमोद साहब मैं प्रमोद हूँ एनआई से प्रधानमंत्री। अरे यार तुम क्यों पूछ रहे, रोज मेरे पीछे पड़े रहते यार। प्रधानमंत्री जी हैदराबाद को आए, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही जिसका आपने जवाब दिया, एक बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सब में वंशवाद है। टीडीपी को गिनाया उन्होंने, कांग्रेस को गिनाया उन्होंने, टीआरएस को गिनाया और एमआईएम को भी गिनाया। प्राइम मिनिस्टर के पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे एमपी, हिमाचल प्रदेश के एक सीएम के बेटे एमपी, लंबी लिस्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पार्टी में भी सब ऐसा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम यह है कि वो उर्दू की कहावत है, बिल्ली जब दूध पीती तो समझती लोग नहीं देख रहे। तो ऐसा मत बोलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी पार्टी में भी आप क्या बोले हिंदी का लफ्ज, वंशवाद है। आपकी पार्टी में बहुत से लोग आपके फैमिली के एमपीज हैं, बीजेपी के अभी कई फैमिली मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि बस मैं सबसे डिफरेंट हूं, ऐसा नहीं है। वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेसी में पब्लिक पसंद करती और पब्लिक पसंद करके वोट डालने वाली है, तो वो आवाम के ऊपर मुनसर है। ऋषि कुमार हिंदू। सर दिस इज ऋषि हियर फ्रॉम हिंदू बिजनेस लाइन। रेस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन बाय Telangana today, you had mentioned that I am a bad man and I am blamed by people. Why do you think you are getting such a tag when you are actually fighting for the cause of society and its welfare? And secondly, do you see so much polarization as it is made out by people that voting is done on really religious patterns? Candidates and parties do not matter at all? Sir, I disagree with you that voting would happen on religious lines. I would request you to come and see that the amount of work MIM MLAs have done for every section of society in terms of civic amenities, woman empowerment, and that will be reflected in the elections as well. What was your first part? Oh yeah, so yeah, blame. So you see, now the people of Hyderabad and Telangana, they have accepted that Modi, Amit Shah, Yogi, Chandra Babu Naidu and Rahul Gandhi have all ganged up against Asaduddin Owaisi, and I am neither B team or C team, I am Team Hyderabad. I am the most favorable player of Team Hyderabad, and the Team Hyderabad would defeat this Rahul Amit Shah combination, Yogi Chandra Babu Naidu combination, and Team Hyderabad would be successful. Sir Chand, Chand, Chand Ahmad from the Pioneer, sir. Chand Ahmad. From Pioneer newspaper, Hyderabad edition, sir. Ji, ji. Sir, first thing I would like to ask is, for how long the Indian politics, not MIM, the Indian politics will revolve around religion? We talk about progress, science, everything. So can't the Indian politics or the Indian politicians move towards scientific and rational thinking? Can't they promote that? Because we keep on seeing religion being played out by many parties, especially national parties. You're absolutely right. There was no need of the Prime Minister to say Khabrastan, Shamshan, Ramzan. It was the Prime Minister who still does it. So you're right. And also Model Code of Conduct does not allow any electoral campaign wherein anyone should use religion to garner votes.
And yes, Article 51 of the Indian Constitution places a responsibility, especially on the ruling party, to develop a scientific temperament. But that is not happening. So yes, we will have to change for good, including me also, I accept. Ishwar Reddy sir, Ishwar Reddy sir. Sir, Ishwar Reddy, Andhra Pradesh. मैं जानता हूँ साहब आप. प्रसिद्ध है सर. सब आप जो है ना TRS से मिलजुल कर हैं. TRS के? TRS से मिलजुल कर हैं आप वहाँ. आपसे ही मिलजुल के साहब. क्या? आप मेरे वोटर हैं, मेरे को वोट डाल रहे हैं, डाल रहे बोलो आप. 100% सर. No doubt. 100% no doubt सर. सब आपके पुराने दोस्त बोले तो आपके साथ भी MP थे लकड़ा पाटी राजगोपाल साहब. कल एक सर्वे में महाकूटमी आगे चल रहा बोल के बोले उसके बारे में आपका कमेंट. अब मैं क्या बोलूंगा साहब. वो देखिए ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूं ना तो मैं जन्योधारू हिंदू हूं. मैं वर्णा सिस्टम के बाहर हूं. मेरे को आर्ट नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का. तो हर काउंट पे मैं थम्स अप हूं. तो मैं तो इतना जानता हूं कि जो पब्लिक में हम फिर रहे देख रहे उसमें तो वैसा नजर नहीं आता. मगर अब क्या है, अब तो दो तीन चार दिन की बात है, घोड़ा मैदान आ गए, आ जाता बात. इतने अब तो इतने सर्वेज आ गए, वो व्हाट्सएप ही बंद कर दिया मैं. अरे जिंदगी में मैं वो कंपनियों के नाम नहीं सुना उनका सर्वे. अरे कहां से किधर. एक कंपनी का बोले मैं दिल्ली फोन करा पूछा तो बोले अरे है ही नहीं यहां पे कोई कंपनी. तो इतने सर्वे. अरे ये इलेक्शंस में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीरियसली इसको देखना पड़ेगा कि एक सर्वे दो तीन चार अरे भरमार है पूरी. अरे मच्छरों की कसरत नहीं है, इतना सर्वों की कसरत हो गई. अब नहीं मालूम किसका सही है, मगर हम जो देख रहे वैसा नहीं है. अच्छा होगा सर आप ये यहाँ पे चांद के पीछे मोजो टीवी. हाँ चक्कू फ्रॉम मोजो टीवी. ओके सर. सर आपके आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड हाफ एन आवर सो दिस यू हैव टू आई हैव सेड हाफ एन आवर. आई डिंट यूज माई 15 मिनट्स सो दिस हाफ एन आवर इज ओवर. सवाल बहुत नहीं नहीं सवाल बोले टाइम का टाइम मेरे को जाने का लास्ट डे अभी. ओके ओके लास्ट क्वेश्चन. एक मेरा सवाल है सर. आपके ऊपर राजा सिंह ने एक कमेंट किया है आप सेक्रेटरी छोड़ के बाहर आ जाइए देखते हैं कौन जीतते हैं कबड्डी खेलेंगे बोल के. आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर. सर मार दो ना सर मेरे को आप मार दो. मैं तो बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं. मैं आज तक 25 साल में एक गार्ड नहीं है मेरे पास. मैं शाम में 5 बजे से आप जरा फोन करके बता दो उनको शाम में 5 बजे से रात में 10 बजे तक मेरी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल पे अकेले फिरता हूं मैं पब्लिक मीटिंग के लिए. क्या है भाई ये. आप इलेक्शन ये है क्या हमारा. ये इलेक्शन डेमोक्रेसी का कबड्डी मैच है. ये लैंग्वेज है बीजेपी की. ये सबका साथ सबका विकास है. ये प्राइम मिनिस्टर इनको सपोर्ट कर रहे. प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों के वोट मांगने के लिए आए जो लोगों को मार देना चाह रहे कत्ल करना चाह रहे गर्दन काटना चाह रहे सिक्योरिटी छोड़ के आओ. क्या है भाई. अगर मैं ये बात प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता तो आप छोड़ते थे मेरे को. सोचो आप थोड़ी देर के लिए. आप हिंदू मुस्लिम कर दिए थे उसको. पाकिस्तान से मिला दिए थे मेरे को. अब तक आप लश्कर ए तैयबा का एजेंट बना दिए थे मेरे को. आप उसामा बिन लादेन का दोस्त बना दिए थे मेरे को आप. ये क्या लैंग्वेज है. इलेक्शन है ये क्या है ये. छोड़ के आओ. अरे क्या छोड़ के आओ भाई. आप पब्लिक को जाके कन्विंस करो. आपके घर के सामने मोहरी भैरी ड्रेनेज लाइन कुछ काम नहीं. और सऊदी नवैसी को मैं देख लूंगा छोड़ के आओ. मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है. मार दो आप. मैं मरने तैयार हूं अपने कॉज के लिए. मैं डरने वाला नहीं हूं. मैं लड़ूंगा इन ताकतों से. और अगर इस राह में मेरे को मौत भी आएंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पब्लिक से कि शहर में कुछ भी नहीं होना. आप मेरी खबर पे आके दो फूल चढ़ा देना. लास्ट एक मिनट लास्ट टू क्वेश्चन बिकॉज ही हैज टू लीव. एक ट्रिब्यून से लेंगे और एक लास्ट वहां पे. अवैस साहब आई एम नवीन गरेवाल फ्रॉम द ट्रिब्यून. माय अच्छा ठहर आशीष ठहर आशीष. इंडिया टुडे गॉट अ चांस. बोलिए करेंगे. ठहर जा आशीष ठहर जा प्यारे. गर्म नक हो जाते ठंडा. माय क्वेश्चन इज स्लाइटली यू नो लॉन्गेस्ट 2-3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. वन इज दिस पॉलिटिकल रिटोरिक हैज you know, dip to a level that we've never seen before. Yes. The first part is, how much further do you see this
gali galoch going? Secondly, does this, you have been a politician for many years, do you see that this makes any impact at the time of voting and time of, you know, decisions people take? And the third part of the question is, how do you assess the role of election commission this time, because they claim to have done a lot to stop this, and they've also claimed to have issued a lot of notices to political parties. Yes, as far as ECI is concerned, I must say that they have been very up to date, they have been very fair, and yes, they have been trying their utmost best, but it is for the people to understand and reject such language which is not only unparliamentary, but it is a language of gutter which is being used, which people should not tolerate and not accept. And to your first question, yes, this will further go down. There is no end to it, because it is the society which will have to reject it. You know, when people sit and say, "Wah, taali maare, arre kya hai bhai?" You know, when someone says, "Ajao kabaddi match khelenge, teri gardan kaat dunga, bagar security ke phiro," it is the people who should stand up and say, "We reject you." When people say, "Bhaga denge," people should say, "No, we will reject you." That change has to happen in the Indian electorate. You know, and that is why you see that when mob lynchings are happening, there is no concern. Junaid, a 16-17-year-old boy, was assassinated by knives in a train compartment, and no one came forward to stop him. What happened in Bulandshahr? A mob goes, takes out the service revolver and shoots a man in uniform. There's no one to stop it. I mean, how can we accept this behavior? And I hope that, you know, we should, coming back to your scientific temperament, that is very important, that we'll have to develop this temperament wherein we reply the criticism, but not in this language of we'll make you flee, we'll cut your head, you come without security. That is absolutely wrong. Last question. Hello. So, yeah. I am from the New Indian Express. So there are considerable criticisms coming from the Shia community. Saying that there is no proper representation for them. There is no proper representation for them in governance, or they have also come out with a charter of demands. Can I just stop you and request you, we can save time. See, MIM party has a corporator. MIM party had supported the membership in the Telangana Waqf Board. MIM party stands for representation of everyone, and if such concerns are there, we'll definitely address them. As far as and there are many Shia ulemas, Zakirin, and the organizations of Matameen who have openly come out and said that we'll support MIM party. That is on record. There are some people who have stated their concerns, but we'll definitely address them. Haan, boliye, Ashish bhai, boliye. Naraaz mat hoiye aap. Main baith ke jaata hoon, chaliye, boliye. Christian missile now. On? Christian missile, sir. Augusta Westland case. Augusta Westland case. Nein, pehle, mere nahi maalum mere. Second. Ab election ke poochho aap. Election. Yes. Yogi Adityanath is again coming and he is campaigning several meetings here in Telangana. How you see his state is in trouble? He is again campaigning. He was seen enjoying a laser show while an inspector was shot dead by mob. What's your reaction, sir? Well, anyone is fit to free and campaign in a democracy. I cannot stop him. Good luck to him. When his state is burning, as a chief minister, this shows his callousness, his complete disregard for what is happening in his state. The law and order machinery is breaking. Good luck to him. And I hope that the people of Uttar Pradesh will realize that what a callous and a reckless, irresponsible chief minister they have got. And in particular, I hope that the UP police will realize
that after one of their officers was shot dead in his with his own weapon, the chief minister is not there to grieve with the family, but he is doing election tourism and coming to Telangana, which will not have any impact, and people will reject his ideology and his language, wherein he says that elected MP would be forced to flee Telangana. PTI, sir, last. Sir, from PTI. Sir, what are your thoughts on expanding your to other states? What are your thoughts on expanding your party to other states? Congress says that you are fielding candidates in states like Assam, only to split the... Sir, 1 minute. I request through you to PTI to please remind the Janyadharu Hindu Shri 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 Rahul Gandhi Ji that I did not contest in Assam. I didn't go to Assam. If he wants me to go to Assam, I'll go. He will see the reaction from Barak Wali to Lower Assam. One public meeting I will do. You must cover, sir, at PTI. I'll hold one meeting in Barak Valley, one meeting in Lower Assam. I'd have not gone to Assam. This man is not even briefed properly, neither he reads properly. I went to Assam in 2012 when this 1.5 lakh people were made homeless, Bengali speaking people were made homeless. I spent 12 days of Ramadan in Lower Assam with a team of specialist doctors of 20 with 50 lakh medicines. We went to every camp and provided them all the medical relief. So as far as expansion of party is concerned, that is a natural process. And to counter a Janyadharu leader of Congress party, why are you contesting against me in Hyderabad then? Why are you contesting against me? That is a very natural question. Because see, this politics of entitlement will not work in India. I cannot always shout and claim I am son of Salahuddin Owaisi, who was 6-time MP. People will say, okay, yes, good, what are you? Have you delivered or not? So this, in present days India, this politics of entitlement will not work. And because of their ignorance, arrogance, incapacity, incapability, and their feudal mindset, people of India were forced to vote for Narendra Modi. The moment they change, then the change will happen. Well, as I said to your colleague's question, it shows callousness on the part of a chief minister of that state that when an officer of in a uniform is shot dead, and this is the concern which a chief minister has for his police force, it shows that how much concern he has in maintenance of law and order. And it is a conspiracy which has been hatched, which has been supported by whom? Let him say. Because the accused belongs to Bajrang Dal. He does not belong to any organization. He is a Bajrang Dal member. And what is Bajrang Dal? Bajrang Dal is a sister organization of RSS. What is Yogi Adityanath? He is part of Sangh Parivar. What is Narendra Modi? He is part of Sangh Parivar. So now it is your sister organization which has killed a man in uniform. Will you stop your sister organization? I have said many times that this is a creation of Sangh Parivar, and now this Frankenstein is out of control. Muslims are targeted, Dalits, and now people in uniform. So it is only BJP being in power, whether they will live up to the constitutional duty or not, because the constitutional duty demands freedom of right to life is a fundamental right, which BJP is forgetting. Sir,
नरेंद्र मोदी असद के खिलाफ, अमित शाह असद के खिलाफ, राहुल गांधी असद के खिलाफ, चंद्रडू बोलना पड़ेगा, चंद्राबाबू नायडू मेरे खिलाफ, योगी मेरे खिलाफ, हाँ जित आजाद मेरे खिलाफ, पूरे मेरे खिलाफ, क्या तो भी है पाशा ये। मैं एक नमक का कंकर जरूर हूं मेरे को मालूम, मगर हर क्या मैं क्या जिंदा तिलिस्मात बना दिए मेरे को आप लोग हैं। हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा है पढ़ो, मेरे साथ हैदराबाद की आवाम है, हैदराबाद की आवाम इनको जवाब देंगी। सर स्वामी, सर आई एम स्वामी, यस कृष्णा कृष्णा, हाँ I do not know about that. I'm sorry, please, Krishna. I had excused myself from answering when your colleague from Headlines today had asked. I know you're representing Republic, but please excuse me. I am more concerned on this election of mine. I am more concerned about this. Sir. Swami from Enad, sir. So. You're not supposed. Already your colleague has asked, sir. From Enad, he has asked. No, sir. From ETV, sir. No. Okay. ETV, Enad, ek hi hai. Sir, what about Pathbasti Metro, sir? You are not supporting that metro. Why? Sir, please understand. In front of assembly, which constituency it is? Assembly is the area in front of assembly. Which constituency it is? Represented by whom? Chadarghat, which constituency? It is not the case, sir. Please do your homework and ask this question. Okay, sir. Sir, we have finished. Mutmain, sir, sir, my Shiva Reddy, V6 News. V6 News. Sir, your brother Akbaruddin, sir, bar bar bole, wo kingmaker hota, Telangana mein CM hota bolke. Sir, aap mere ghar ko aaye the. Main aapko ghar ko bula ke, bitha ke. Do din ke piche bole. Suna, exclusive interview kare. Uske baad aap bole, sir, 40,000 hits hai usko. नक्को सर ऐसा आप कर ले के बोल दिया मैं कई बार। ओके सर खत्म करें। बिल्कुल आप छोटू लास्ट। अच्छा तो इन द रीसेंट इलेक्शंस, सॉरी इन द रीसेंट, छोटू जोर से बोलो आप, जरा माफ करना, वो मैं वो बच्ची को बचपने से जानता हूँ, विश्वास से। आई एम सॉरी। हेलो, ओके सो अमित शाह इन रीसेंट मीटिंग ही हैज सेड दैट BJP is the only alternative to MIM. BJP is the only alternative, yes. Okay. So what are your thoughts on it? And how do you think, what are the factors that are contributing to MIM success in the 7 constituencies? So one is the biggest factor is this ganging up of all these magnificent people in the form of Modi, Amit Shah, Rahul, Naidu, Yogi. They have ganged up against me. That in itself is sending a strong message to people of Hyderabad that this is the time when the Hyderabad pride will come out. The pride of Hyderabad will be shown on the 7th of December, and the people will reject this hate and this politics of entitlement and this politics of threatening. And people of Hyderabad would give a befitting reply to all these so-called magnificent people. And they will bless me because I am part of Hyderabad, and this part of Hyderabad of mine would overwhelmingly defeat all these people who do not know anything about Hyderabad's composite culture. Okay, so with this we come to an end.